प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से पुलवामा हमले को लेकर 5 सवाल पूछे थे। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह मंत्री और खुफिया तंत्र की विफलता के लिए अपनी जिम्मेवारी क्यों स्वीकार नहीं करते? स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम RDX, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? आप ही तो कहा करते थे कि ये विदेश से कैसे आते हैं। जब सरकार आपकी है, मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछते थे, हम आपसे सवाल पूछते कि ये सैकड़ों किलोग्राम RDX, M4 कार्बाइन्स और रॉकेट लॉन्चर देश में आए कहां से? एक RDX ले जा रही कार को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जहां काफिले के लिए सैनिटाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, वहां प्रवेश करने की अनुमति कैसे मिली जिससे हमारे सैनिक हताहत हो पाए? मोदी सरकार ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले उग्रवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे वीडियो को नजरअंदाज कैसे कर दिया? सरकार ने आतंकियों द्वारा IED के दुरुपयोग और सैनिटाइजेशन के बारे में 8 फरवरी 2019 की जम्मू कश्मीर की पुलिस के इस पत्र को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं, इसे नजरअंदाज क्यों किया जिससे शायद हमारे जवानों की जिंदगी बच सकती थी? मोदी सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा हवाई मार्ग से सेना की आवाजाही करने के CRPF एवं BSF के निवेदन को क्यों ठुकराया गया? यह है वो आदेश जिससे खारिज किया था, उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं। क्या इस पूरे काफिले के आगे बढ़ने से पहले खराब मौसम की वजह से एक हफ्ते तक CRPF के जवान यहां फंसे नहीं रहे? क्या हवाई परिवहन की अनुमति से हमारे जवानों की बहुमूल्य जिंदगी नहीं बच सकती थी? मोदी सरकार के 56 महीनों में अकेले जम्मू कश्मीर में हमारे 488 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मोदी जी, ऐसा क्यों? मोदी सरकार पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर 5,595 बार गोलाबारी रोकने और सीमा के उल्लंघन में को रोकने में नाकामयाब क्यों रही? नोटबंदी से आतंकी हमले बंद क्यों नहीं हुए जैसा मोदी जी आपने देश को कहा था? इन सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। वहीं आंध्र प्रदेश में BJP अध्यक्ष अमित शाह ने पुलवामा पर कांग्रेस के जरिए पूछे गए 5 सवालों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि PM मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस आतंकवाद का सहारा ले रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर समस्या के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया और हमला बोलते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से देश की ऐसी हालत है, अगर सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाया होता तो देश की तस्वीर कुछ और ही होती। कश्मीर समस्या का कोई जनक है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण आज कश्मीर फंसा हुआ। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश में कश्मीर समस्या न होती। हैदराबाद सरदार पटेल को टैकल करना था, आज हैदराबाद गौरव के साथ भारत का हिस्सा बना हुआ है और कश्मीर जवाहरलाल जी टैकल कर रहे थे वहां पर, आज समस्या खड़ी हुई। इधर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनाव आयोग ने EVM और VVPAT के साथ मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसा पहली बार होगा जब 100% मतदान VVPAT मशीन के साथ होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में EVM और VVPAT भेज दी गई है और आयोग का दावा है कि 96% EVM की सुरक्षा जाँच पूरी कर ली गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले विपक्षी पार्टियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे सवाल तो उठाया है, लेकिन चुनाव आयोग का बार बार यही कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से किसी तरह की टेम्परिंग नहीं की जा सकती।
तमाम पोलिंग बूथ पे ईवीएम्स भेज दिए गए हैं वीवीपैट के साथ। और सबसे खास बात यह है कि इस बार का लोकसभा जो चुनाव है पहली बार वीवीपैट के साथ होगा। चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट के साथ यहाँ तैयार है। कैसे इस बार चुनाव होगा उसके बारे में बताने के लिए निखिल कुमार हैं चुनाव आयोग निदेशक, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या तैयारी, अभी तक आप लोगों ने ईवीएम पूरे पोलिंग बूथ पे भेज दिया जो 10 लाख के करीब पोलिंग बूथ है देश भर में? देखिए हमारे पास लोकसभा और साथ ही में जो भी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होने हैं इस वर्ष, उसके लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है ईवीएम्स और वीवीपैट्स का हमारे पास मौजूद है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर मशीन सिर्फ कैंडिडेट फाइनल होने के बाद जाती है, अभी सारी मशीनें अलग अलग राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में वेयर हाउसेज में चली गई हैं। उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग भी लगभग 96% तक कम्प्लीट हो गई है, जो कि और एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी। तो हमारी पूरी तैयारी है हर एक पोलिंग स्टेशन पर 100% वीवीपैट के साथ ईवीएम डिप्लॉय करके चुनाव कराने। इस बार तो पहली बार वीवीपैट से पूरा चुनाव लोकसभा का वीवीपैट से हो रहा है? बिल्कुल, ये पहली बार है जहां पर कि पूरे देश भर में हर एक पोलिंग बूथ पर हम वीवीपैट लगाएंगे ईवीएम के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 लोकसभा के चुनाव ईवीएम के साथ तो हुए हैं, लेकिन वीवीपैट के साथ पहली बार हर पोलिंग स्टेशन पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा।